उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में एनडीआरएफ की मौजूदगी में राहत और बचाव अभियान हुआ पूरा। अब किसी भी वक्त सकुशल बाहर आएंगे सभी 41 श्रमवीर। मुख्यमंत्री ने लोहरदगा में 133 करोड़ की 21 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 132 करोड़ की परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। राज्य में 30 नवंबर तक 17 स्थानों पर पंचायत समिति सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करेगी भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, पार्टी के लिए देश सेवा सर्वोपरि। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य स्तरीय सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता में विजेता गुड्डा के खिलाड़ियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी टनल हादसे की। उत्तरकाशी टनल हादसे में आज 17वें दिन बड़ी सफलता मिली है। आखिरकार टनल में फंसे 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने का काम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज सुरंग में ब्रेक थ्रू हुआ और स्केप टनल के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। किसी भी वक्त सभी मजदूर टनल से बाहर आ सकते हैं। टनल से निकलते ही सभी मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके लिए अस्पताल में मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। इधर झारखंड के गिरिडीह जिले में भी जश्न जैसे हालात हैं। जिले के बिरनी निवासी सुबोध कुमार वर्मा और विश्वजीत कुमार वर्मा उन श्रमवीरों में शामिल थे जिन्होंने 17 दिन सुरंग के भीतर बिताई है। दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। विश्वजीत के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। विश्वजीत के परिजनों ने सरकार के प्रति आभार जताया है। उनके हम लोगों को बहुत खुशी हुआ क्योंकि इतने दिनों से हम लोग न सही से खाना खा रहे थे, न सही से पढ़ रहे थे, पढ़ाई भी छूट गया था, मतलब पूरी तरह से परेशान थे और क्या ही बता सकते। और अभी जैसा न्यूज है वो सुन के हम लोग को बहुत खुशी हुआ और इतने भी पूरा देश का सरकार जो लगी हुई थी उन लोगों को बचाने के लिए 41 जिंदगी को, और जो दूसरे देश के एक्सपर्ट्स आए थे सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। लोग वहाँ जितने भी लोग फंसे हुए थे 41 जिंदगी को बचाए और आज वहाँ से सुनने में आया कि वो लोग निकला जा रहा है। हम लोग को बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि 41 जिंदगी को बचाएं। उसके लिए हम लोग उनके लिए बहुत आभारी हूं। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र के भी 3 मजदूर उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए थे। अब उनके बाहर निकलने की खबर से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। 2 सप्ताह इन मजदूरों के परिजनों के चेहरे पर मायूसी थी लेकिन अब उन्हें सुखद सूचना प्राप्त हुई है और उनके चेहरों पर मुस्कान छलकने लगी है। इस सुखद खबर से परिजन बेहद उत्साहित हैं। क्या नाम है आपका? रेखा। अच्छा, आप उनकी वाइफ हुई ना? हाँ, यही सोच रहे थे लोग नहीं बाहर आने पर बाल बच्चा कैसे देख पाएंगे, यही हम लोग सूचना को सोच रहे थे। तो सूचना मिला तो कुछ अच्छा लगा हम लोग को। छोटा छोटा बाल बच्चा कहाँ लेके जाए, यही सब हम लोग घबरा रहे थे। सूचना मिला तो हम लोग को बहुत खुशी मिला। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता उरेन। हाँ, कौन है जो मजदूर है वो? मेरा बड़ा दादा है। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? वही पूछ रहे थे। हम लोग ठीक हैं बोले, फिर उनको भी पूछे तो भी बोले ठीक है। अभी तो बता दीजिएगा सब कैसे करके बोले, और इतना ही हुआ था बात देते नहीं। अच्छा, तो कुछ थे? हाँ, कैसा लगा? थोड़ा सा अच्छा लगा ना। क्या नाम है आपका? वीर सिंह किसपोता है। अच्छा, लेकिन थोड़ा मोड़ा बात हुआ बोल के थोड़ा भरोसा लग रहा है कि अच्छा ही है और अच्छा ही रहेगा और हम लोग भी अच्छा ही रहेंगे। और गांव वाला को भी जानकारी मिल रहा है कि अच्छा ही है और क्या बोलेंगे, सब कोई अच्छा ही रहेंगे बोल के सब कोई खुशे में है अभी तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुमानी बरला है। वो पता पा रहे लेकिन तो निकल जाने से हम लोग को सुरक्षित गांव में बात हुई कि फोन से बात कर रहे हैं। हाँ, बात तो हो। क्या नाम है आपका? रतु बारु। आप कौन है? बड़ा भाई। अब आ ही जाएंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद है। इससे हम लोग को बहुत खुशी की मैंने महसूस हो रहा है। और इससे पहले हम लोग काफी निराश थे कि कब क्या होगा, नहीं हम लोग का आदमी जो वापस आएगा नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं था। इसलिए
हम लोग खूब खुशी मना रहे हैं आपको। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक। उत्तराखंड सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों के सकुशल निकलने से वैसे तो पूरे देश में जश्न जैसा माहौल है, लेकिन रांची के ओरमांझी स्थित खीराबेरा में लोग बेहद खुश हैं। दरअसल सुरंग के भीतर इस गांव के श्रमवीर अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया और सुकराम भी पिछले 17 दिनों से फंसे हुए थे। परिजनों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है। जो तनाव में फंसे हुए लोग थे, हमारे गांव से 3 बच्चे थे और किसी न किसी समय में जो है सो वो 3 बच्चे हमारे विद्यालय के छात्र रहे हैं। बहुत बेहतर तरीके से जो है सो प्रयास प्रारंभ किया। अभी गांव में तो इतना हर्ष का वातावरण है, इतना हर्ष का वातावरण है, हमको तो लगता है कि वो जब आ जाएंगे तो उससे ज्यादा हर्ष का वातावरण होगा। अभी तो हम लोग जो सूचनाएं दे रहे हैं, अभी हम लोग जो सूचनाएं दे रहे हैं वो सूचना जो है वहां तक। और अब बात आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा जिले के चीरी खेल मैदान में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 133 करोड़ रुपए की 21 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 80,208 लाभुकों के बीच 132 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा है। रोटी, कपड़ा और मकान, आज सरकार ने उन 11 लाख लोगों का, जो लोगों का डिलीट किया गया था, उन लोगों के अतिरिक्त 20 लाख अलग से हरा राशन कार्ड बनाकर के गरीबों के बीच में बांटे। हमारे आज के दिन में भी 8 लाख से अधिक लोग जिनको आवास की आवश्यकता है, और आज उन्हीं गरीबों के बीच में कालाजार जैसे बीमारियां फैलती है, जिनके पास आवास नहीं है। कालाजार बीमारी अमीरों को नहीं होता है, गरीबों को होता है। अभी हम लोगों ने हाल नहीं, पहले यहां के लोगों की सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान हो, इसके लिए आबुआ आवास नाम से हम लोगों ने योजना प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित कोडरमा आगमन को लेकर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आज जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे मुख्यमंत्री के हाथों विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण कराएं। मौके पर उप विकास आयुक्त ऋतुराज समेत जिले के अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य के 17 स्थानों पर 30 नवंबर तक पंचायत समिति सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। इस कड़ी में आज गिरिडीह जिले में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के इतिहास, विकास, संकल्प, प्रतिबद्धता जैसे आयामों पर विस्तार से चर्चा की। श्री मरांडी ने कहा कि जनसंघ से लेकर भाजपा की विकास यात्रा में पार्टी की राजनीति के केंद्र में राष्ट्र सेवा सर्वोपरि रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के नावाडी और बेहराडी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मौजूद लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। 25 नवंबर से कोडरमा के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज डोमचांच प्रखंड के बेहराडी और नावाडी पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को केंद्र प्रायोजित योजना की जानकारी दी गई, साथ ही विभिन्न योजनाओं से लोगों को आच्छादित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए अपने जिंदगी में आ रहे बदलाव की वानगी को बयां किया। 2 लाख का मिला है और 1 लाख का सब्सिडी दिया है, उसके लिए प्रधानमंत्री धन्यवाद करते हैं। पैसा 3 बार साल में आता है, वो हमारे खाद बीज खरीदने में सहायता मिलता है और मैं खेती बहुत बहुत धन्यवाद उनको प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमारे हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और महिला मंडल की सदस्य मौजूद थीं। मौके पर महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और बताया कि कैसे आजीविका महिला मंडल से जुड़कर महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और इससे किस तरह का सामाजिक बदलाव आ रहा है।
इससे है कि अपना साथ साथ में आजीविका मेरा बढ़ा और अपने बच्चे लोगों को अच्छा से हम पढ़ा लिखा पा रहे हैं। बैंक जाकर के ऋण अगर भी जरूरत हो तो आपस में बात करके हम उनसे कंफर्म होकर ले पा रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, बोल पा रही है कुछ कहीं जाकर के घर से बाहर निकल करके। प्रधानमंत्री जो है वो इस योजना को बहुत मतलब साथ दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद की सदस्य शांति प्रिया और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थीं। जिला परिषद सदस्य शांति प्रिया ने इस मौके पर विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी महिलाओं को दी और उसका लाभ लेने की लोगों से अपील की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान निश्चित है कि अगर इस तरह का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होगा और पंचायत अगर जाकर किया जाएगा तो निश्चित लोग जागरूक होंगे, अगर लोग जागरूक होंगे तो इसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कल डोमचांच के मसनोढ़ी और पूर्णा नगर पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बेहराडी और नावाडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों को मुफ्त चिकित्सीय सलाह के साथ साथ निःशुल्क दवाएं भी दी गई। साथ ही आयुष्मान भारत योजना से भी वंचित लोगों को इससे आच्छादित किया गया। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार का यह राष्ट्रव्यापी अभियान खासकर दूर दराज के इलाकों में निवास करने वाले कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। झारखंड के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्रीय योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के जरिए जहां एक ओर केंद्र सरकार की योजनाएं सुदूर इलाके तक पहुंचाई जा रही है तो वहीं विकसित भारत के निर्माण में जन भागीदारी का प्लॉट भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को संकल्प भी दिलाया जा रहा है। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब झारखंड के सिमडेगा जिले के कूड़े प्रखंड मुख्यालय और गठिया जोर पंचायत पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने इस दौरान योजनाओं की बारीकियों और उनके फायदे को जाना एवं समझा। यहां स्थानीय लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक सशक्तिकरण की नई परिभाषा गढ़ते नजर आए। मेरा आजीविका बढ़िया से चल रहा है। मैं अनिरुद्ध बड़ा एक का रहने वाला हूँ। मैं केसीसी लोन लिया था, उसमें बहुत कम ब्याज लगता है, साल भर में बटाने से बहुत कम ब्याज लगता है और बहुत सारा लाभ मिलता है और सबको लेना चाहिए। इस यात्रा को लेकर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। उज्ज्वला योजना से लेकर सखी मंडल की लाभार्थी भी मानती है कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है और वो आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही है। मैं समूह में जुड़ी तो धीरे धीरे करके मैं अपना जो जीने की असुविधा थी उसको मैं सुलझ पाई और उसी से बढ़ते बढ़ते आज मैं अपना जीवन को सही तरह से सजग समझ सकी हूँ। दो एकड़ जमीन में मैं साग सब्जी की खेती करती हूँ और हर सप्ताह कम से कम 8 से 10 हजार कमाई होता है और कमाई से मेरा परिवार अच्छा से चल रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार खुद योजनाएं लेकर ग्रामीणों की दहलीज तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं, वैन के जरिए लोगों को योजनाओं के प्रति लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। सिमडेगा से मनोज के साथ मैं दिवाकर कुमार। रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर आजादी के 75 साल बाद ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में छोटा चुनचुरिया से ईचागढ़ तक 8,01,00,000 रुपए की लागत से सड़क और पुल निर्माण को स्वीकृति मिली है। आज सांसद श्री सेठ ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में इन योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिली इस स्वीकृति को सांसद श्री सेठ ने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद बताया है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में गांवों से लेकर शहरों तक सड़कों का जाल बिछाया है। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम से रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। उन पर अवैध खनन मामले में ईडी के गवाहों को प्रभावित करने का आरोप है। ईडी ने समन जारी कर पुलिस अधीक्षक को 22 नवंबर को ही पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मंतव्य लेने का हवाला देकर समय की मांग की थी। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने दूसरा समन भेजकर उन्हें आज उपस्थित होने को कहा था। इधर झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन ने भी आज राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। यूनियन ने निजी वाहनों का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से बंद करने की मांग की, साथ ही ओला रैपिडो के जरिए निजी मोटरसाइकिल की बुकिंग बंद करने पर भी जोर दिया गया।
उर्दू शिक्षकों की बहाली और उर्दू भाषा से जुड़े अन्य मामलों को लेकर आमिया संगठन द्वारा आज रांची स्थित राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया। संगठन के अध्यक्ष एस अली ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार का रवैया उर्दू भाषा को लेकर सही नहीं है। झारखंड गठन के बाद से लेकर अब तक उर्दू शिक्षकों की बहाली होना इस बात का प्रतीक है। अखिल भारतीय किसान महासभा ने भी अपनी मांगों के समर्थन में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। गिरिडीह जिले में गुरू नानक जयंती के मौके पर रोटरी गिरिडीह कपल्स क्लब और गुरू कृपा सेवा सोसायटी की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 60 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर प्रोजेक्ट चेयरमैन सत्यदीप सिंह और गुरू कृपा सेवा सोसायटी के अध्यक्ष कुशल सरूजा ने लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। गुरुपर्व के दिन हम लोग को रोटरी ग्रेड कपल और गुरु कृपा सेवा सोसाइटी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। एक बृहद पैमाने पर हम लोग ब्लड डोनेशन भी आज करना चाह रहे थे कि आज के दिन मौके पे मतलब एक अच्छा मौका है और हम लोग काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित भी करना चाह रहे थे कि वो लोग ब्लड डोनेट करें क्योंकि अभी करीब 150 लोग ग्रेडी डेथ सिर के घर से थे। उनकी मदद करने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया कि एक कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करें। राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव और सांसद धीरज साहू ने आज लोहरदगा जिले में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। जिले में हजरत बाबा दुखन शाह मजार के सामने विधायक पद से जहां सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी गई, वहीं आयशा कच्ची विद्यालय लाइब्रेरी भवन का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मंत्री श्री उरांव ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी वर्गों का विकास हो, प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज 8वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता के बालक और बालिका वर्ग में विजेता रही गोड्डा जिले के खिलाड़ियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि गुमला के घाघरा में आयोजित नेटबॉल की ट्रेडिशनल एवं फास्ट 5 सब जूनियर चैंपियनशिप के बालक और बालिका दोनों ही वर्गो में गोड्डा टीम ने खिताब जीता है। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सिलसिले में पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। सिरो कान्हू क्लब के माध्यम से खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स के साथ अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। यहां के नौजवान खेलों के माध्यम से अपना भविष्य संवारने के साथ अपने प्रदर्शन से देश और राज्य का नाम रोशन करें, इसके लिए सरकार सभी सहयोग करेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी को देखते हुए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बीमारी के भी कोरोना की तरह फैलने की आशंका है। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए रांची में स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। रांची जिले के ब्लॉक स्तर के अस्पतालों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र समय पर दाखिल नहीं होने से संबंधित मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष जनवरी में निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार से मामले में विधि पोर्टल की अपडेट स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। रांची पुलिस लाइन में बीते शनिवार की देर रात को जुआ खेलते 14 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग पकड़े गए थे। इस मामले में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कार्रवाई करते हुए रांची जिला बल के 9 पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बाकी के अन्य 5 पुलिसकर्मी जैप के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जैप के कमांडेंट करेंगे। हजारीबाग जिले के मालवीय मार्ग स्थित गायत्री टेंट हाउस में आग लगने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में लाखों के सामान जल गए हैं। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में एनडीआरएफ की मौजूदगी में राहत और बचाव अभियान हुआ पूरा। अब किसी भी वक्त सकुशल बाहर आएंगे सभी 41 श्रमिक। मुख्यमंत्री ने लोहरदगा में 133 करोड़ की 21 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 132 करोड़ की परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। राज्य में 30 नवंबर तक 17 स्थानों पर पंचायत समिति सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करेगी भाजपा प्रदेश।